बलौदाबाजार जिला में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला के लिए नियुक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर अविनाश जी की उपस्थिति में रविवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायकों को प्रशिक्षण दी गई। प्रशिक्षण सत्र में काउंटिंग ऑब्जर्वर ने मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के एल चौहान भी उपस्थित थे। काउंटिंग ऑब्जर्वर अविनाश जी ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर का मुख्य कार्य मतगणना के दौरान किसी भी अनियमितता को रोकना और सही तरीके से गिनती की प्रक्रिया का पालन करना है। मतगणना प्रक्रिया के दौरान सभी अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देनी चाहिए। उन्होंने मतगणना हाल में प्रवेश और निकासी की सख्त निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। इस साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की सही ढंग से जांच और सत्यापन किया जाना चाहिए। उन्होंने मतगणना प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और सभी अधिकारियों से आपसी सहयोग और समन्वय रखने की अपील की है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चौहान ने कहा कि मतगणना के दौरान सावधानी व सतर्कता पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन करें। मतगणना में स्टेप बाय स्टेप सावधानी बरतनी जरूरी है। कोई दिक्कत या संदेह हो तो तत्काल उच्च अधिकारियों को जानकारी दिया जाए। प्रशिक्षण में राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर एस के तिवारी ने मतगणना की बारीकियां तथा ईवीएम मतगणना का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने मतगणना केंद्र में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी, जिसमें वोटों की गिनती, विवाद समाधान और रिपोर्टिंग शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर पेपर ऑडिट ट्रेल के परिणामों का मिलान किया जाता है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी आर दुबे, तीनों विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी सहित मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक या माइक्रो ऑब्जर्वर उपस्थित थे।